नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस व्याख्यान में मैं सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के बाल लीला से संबंधित एक पद की चर्चा करूंगा। यह पद कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, इस पद की यह विशेषता है कि इसमें भगवान कृष्ण का माता यशोदा के साथ जो लीला करते हैं, वात्सल्य रस से पूर्ण माँ और बेटे के बीच जो वार्तालाप होता है वो नहीं है। इसमें बाल जो उनकी सखाएं हैं, बाल सखाएं हैं, उन सखाओं का भी अभाव है। लेकिन इन दोनों का अभाव होते हुए भी यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इस पद में कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत ही मोहक और मनोहारी चित्र देखने को हम सबको मिलता है। यह पद जो है, इसमें जो कृष्ण हैं वो अपने आप स्वयं खेल रहे हैं, स्वयं लीला की रचना कर रहे हैं। पद को मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ। हरि अपने आंगन कछु गावत, पहली पंक्ति है, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननी सौ नाचत, मन ही मनही रिझावत। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननी सौ नाचत, मन ही रिझावत। बाह उठाई का जरी धौरी गयनी टेरी बुलावत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। दूरी देखी जसुमती यह लीला, दूरी देखित जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। यह जो पद है, इसमें भगवान कृष्ण जो है वो आंगन में हैं और आंगन में अपने मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। विद्यार्थियों, सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिनकी दृष्टि अत्यंत ही दूरदर्शिता से भरी हुई थी। जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान की पूरी समझ है, यदि किसी में हम पाते हैं बेहतरीन तरीके से, तो वो सूरदास हैं। बाल मनोविज्ञान की समझ हम अनेक कवियों में पाते हैं, लेकिन जो वात्सल्य रस की जहाँ तक बात है और बालक के विभिन्न हाव भाव एवं क्रियाकलापों के चित्रण की बात है, तो इसमें सूरदास की जोड़ी का कवि, सूरदास की सानी रखने वाला कवि आज भी दुर्लभ है। पहली पंक्ति है इस पद की जो मैं पढ़ना चाहूँगा, हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि अर्थात यहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को कहा गया है, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को कहा गया है। हरि अपने आंगन कछु गावत अर्थात जो कृष्ण हैं वे अपने आंगन में बैठकर अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। अब बालक क्या गाएंगे, प्रश्न है, बालक क्या गाएंगे? लेकिन बालक के गायन में एक सुव्यवस्थित भाषा का अभाव होता है। बालकों का जो गायन होता है वह पढ़े लिखे लोगों की भाषा से भिन्न होता है, जैसे माँ की लोरी और माँ की भावनाएं होती है। लेकिन बालकों के जो गायन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, वह विशेषता यह है कि वह भाव से परिपूर्ण होती है और उस गायन में बालकों का जो समूचा हृदय है, बालकों का जो पूरा हृदय है, उनके मन की जो सारी अंतरंग भावनाएं हैं वह सहज ही दृष्टव्य हो उठती हैं, सहज ही हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली पंक्ति है, हरि अपने आंगन कछु गावत। जो कृष्ण जो हैं अपने बाल रूप में
अपने छोटे छोटी उम्र में जो बाल रूप में छोटे रूप में अपने आंगन में बैठकर कुछ गा रहे हैं, तनक तनक चरननी सौ नाचत। और वे सिर्फ गा ही नहीं रहे हैं बल्कि वे अपने छोटे छोटे पैरों से, अपने घुंघरू घुंघरू बंधे पैरों से वे नाच भी रहे हैं। तो बालकों का जो आनंद है, उनके हृदय का जो कि जो असीम अनुभूति और आनंद से भरा हुआ हृदय है, जो एक निश्चल कोमल मन वाले छोटे बालकों में ही सहज देखने को मिलता है, तो वे जो हैं वे अपने छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं। मन ही रिझावत, उस समय उन्हें रिझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वे मन ही मन अपने आप को रिझा रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। बाह उठाई काजरी धौरी गयनी तेरी बुलावत। बाह उठाई, और जो कृष्ण हैं वे नाचते हुए अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों से और अपने आंगन में बैठकर कुछ गाते हुए बाह उठाकर उसे पुकारते हुए कजरी और धौरी, दो उनकी जो गायें हैं कजरी और धौरी, अपनी गायों को जो उन गायें उन्हें विशेष प्रिय थी उन्हें टेरी अर्थात पुकार कर बुलाते हैं। बाह उठाई काजरी धौरी गाय गए यानी टेरी बुलावत। अपनी बाह उठाकर इशारे से और वे अपनी कजरी और धौरी दोनों जो गायें हैं उनकी जो प्रिय गायें हैं इन्हें पुकार कर बुलाते हैं। और वे सिर्फ गायों को नहीं बुलाते हैं बल्कि उनकी जो माता यशोदा है, उनके जो बाबा नंद हैं, उन्हें भी वे पुकारते हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कभी वे अपने बाबा नंद को पुकारते हैं। कबहुक घर में आवत, और कभी वे घर में आते हैं। वे खोजते हैं, वे अपनी माँ यशोदा को खोज रहे हैं, वे अपने पिता, वे अपने बाबा नंद को खोज रहे हैं, अपने बड़े भाई दाऊ को खोज रहे हैं अर्थात बलराम को खोज रहे हैं, और माता यशोदा है। भगवान कृष्ण के अकेलेपन की यह जो लीला है, अकेले में बैठी हुई वो जो अकेले में बैठे हुए जो कृष्ण की उनकी लीला है, वो दूर से देख रही है, दूर से देखकर अत्यंत हर्षित हो रही है, और उनका आनंद लगातार बढ़ रहा है। उत्तरोत्तर गति से माता यशोदा का आनंद बढ़ रहा है। अगली पंक्ति है, दूरी देखी जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। दूर बैठी देखकर छुपकर जो वो अपने बाल कृष्ण की जो लीला है वो माता यशोदा देख रही है, और उसे देखकर हर्ष अर्थात अत्यंत हर्षित हो रही है। यह जो अकेले में की गई भगवान कृष्ण की लीला है, बाल कृष्ण की जो लीला है उनकी आनंद को बढ़ाने वाली है। सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। अंतिम पंक्ति है, सूर्य श्याम के बाल चरित। कवि सूरदास, महाकवि सूरदास कहते हैं कि श्याम अर्थात भगवान कृष्ण के बाल चरित्र को देखकर नित नित ही देखत भावत, वे नित नित अपने मन की आंखों से देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और वे उन्हें बहुत प्यारी ये भावनाएं, ये उनकी लीलाएं लगती हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो पद था इसको एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ पुनः, और इसे एकदम संक्षेप में मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ। हरि अपने आंगन कछु गावत, अर्थात भगवान कृष्ण अपने आंगन में अकेले बैठकर कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरननी सौ नाचत, मन ही रिझावत। वे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और अपने मन को खुद ही रिझा रहे हैं। बाह उठाई काजरी धौरी गए यानी टेरी बुलावत। अपनी बाहों को उठाकर कजरी और धौरी जो उनकी विशेष प्रिय गायें हैं उन्हें पुकार कर बुला रहे हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। कभी वे अपने बाबा नंद को पुकारते हैं, कभी उन्हें ढूंढने के लिए घर में आते हैं। और श्री कृष्ण के इन सारे क्रियाकलाप को माता यशोदा है वो दूर से देख रही है। दूरी देखित जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। ये जो दूर बैठकर दूर जो छुपकर देख रही है माता यशोदा
अपने पुत्र कृष्ण की यह लीला उनके हर्ष को, उनके आनंद को बहुत अधिक बढ़ा रही है। अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं, सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। कवि सूरदास भगवान श्याम अर्थात श्री कृष्ण के बाल चरित को नित प्रतिदिन देखते हैं और नित प्रतिदिन देखने की कामना करते हैं। तो यह जो पद है, इस पद में जो तनक तनक शब्द है, तनक तनक शब्द में अनुप्रास अलंकार है और एक ही शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देख सकते हैं। इसके बाद मन ही ये जो दो शब्द है, एक में हम दीर्घ ही है और एक में हमें ह्रस्व ही है, यह मन ही यहाँ म शब्द की आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद जो है आगे जो कभूक जो दो बार सूरदास चर्चा करते हैं, कभूक शब्द की दो बार जो उपयोग करते हैं, इसके माध्यम से भाव और भाषा के अर्थ पर चमत्कार की उत्पत्ति होती है। और दूरी देखी में भी अनुप्रास अलंकार है, नित निधि में भी अनुप्रास अलंकार की छटा हम देख सकते हैं। तो ये सूरदास का जो कृष्ण का बाल स्वरूप है, इससे संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था, जिसे आपको जिसकी चर्चा हमने आपके समक्ष की और आपके बताने का प्रयास किया। आशा है कि यह जो वीडियो है, यह जो परिचर्चा है, यह चर्चा है, आपको इस पद को समझने में कुछ सहायता प्राप्त होगी। अगले व्याख्यान में मैं किसी अगले विषय वस्तु के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।